केंद्र सरकार डीप फेक से निपटने के लिए नियम जारी करेगा। डीप फेक लोकतंत्र और समाज के लिए नए खतरे पैदा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि डीप फेक से निपटने, समाज के विश्वास को मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। श्री वैष्णव ने बताया कि उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही कंपनियों और डीप फेक से निपटने वाले विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक्स आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकारता को जाहिर किया। बैठक में सभी इस बात पर सहमत थे कि डीप फेक को विनियमित किए जाने के लिए 4 स्तंभों की जरूरत है। इन स्तंभों में डीप फेक की पहचान करना, गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना, रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उद्योग निकायों और सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श भी किए।